हेलो एवरी वन कैसे हैं आप सभी लोग तो देखिए बीच आज बहुत ही प्यारा एक टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए तो आपकी प्रॉब्लम होती थी साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्ले कैसे करेंगे ठीक है कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म से आप साइंटिफिक नोटेशन के में कैसे चेंज करेंगे आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं सारी चीजें है, ठीक है जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे किया जाएगा सारी चीजें देखेंगे तो आई एम डैम श्योर होगा कि आप इस क्लास के बाद ठीक है बच्चों इस क्लास के बाद ऐसा कोई भी आपको क्लास देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन देखना पड़े कि सर कैसे होता है और क्या क्या होता है ठीक है बच्चों चलो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास और देखते हैं सारे डाउट्स हम देखेंगे कोशिश करेंगे इस क्लास में ही आपके सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाए सोल्व हो जाए जो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे कि सबसे पहले आखिर जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या और इसका यूज़ क्यों हम करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे डिफिनीशन क्या ये देखिएगा साइंटिफिक नोटेशन रिफर्स टू एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बिटवीन वन टू हंड्रेड वन टू टेन पावर टेंथ पावर ओके एंटिफिक नोटेशन इज मोस्टली यूज when डीलिंग with लार्ज quantities आर नंबर कंटेनिंग containing many सिंस इट शॉर्ट shorten द नोटेशन मतलब ये है क्या साइंटिफिक नोटेशन में हम यूज़ करते हैं क्या कि जैसे देखो अगर हम साइंटिफिक की बात करें तो अब एक बात बताओ जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है ठीक है कोई सॉरी बैक्टीरिया लिखना होता है कोई बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के बहुत छोटा होता है अगर उसे हमें उसकी हमें लेंथ निकालनी है उसकी हमें लेंथ निकालनी है तो उसकी लेंथ जो हमारे पास नॉर्मल स्केल है उससे तो कभी भी नहीं निकाल सकते इम्पॉसिबल सी बात है ठीक है बेटा क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है तो उसका नैनो मिलीमीटर में ऐसे उसके वैल्यूज़ आते हैं तो जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसके पावर में कुछ जैसे मान लो ऐसे ज़रा सोचो ऐसे सोचना रहा मैं थोड़ा सा यहाँ पर पे स्पेस बना लूँ चीज़ों को आपको समझाता हूँ ठीक है ऐसे समझ रहा हूँ बच्चे मैंने एक बैक्टीरिया लिया उसका मैंने मेज़रमेंट किया उसकी जो लेंथ है वो ज़ीरो पॉइंट जीरो 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 ज़ीरो 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 टू मिलीमीटर अब देखो इतना छोटा वो है तो इतना लिखने से अच्छा है क्या मैं इसको टू पॉइंट ज़ीरो इंटू टेन टू पावर कितना वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व में कर दो ट्वेल्व मिलीमीटर अब देखो ये लिखना ज्यादा आसान है कि ये डेफिनेटली सी बात है बच्चों ये जो है ये लिखना ज्यादा इजी हो जाता है ठीक इसी है इसीलिए हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ती है ठीक है मेरे बच्चा लोग आ जाओ अब समझते हैं इन नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है देखिए कुछ खास नहीं बच्चे बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये और बहुत अच्छे से आप समझ भी जाओगे इसको ठीक है बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है बड़े आराम से समझेंगे हम देखो जैसे यहाँ पे क्या है बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जैसे यहाँ पे है आपका 76,300 कुछ नहीं करना डेसिमल जो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे हम केवल वन प्लेस पे ही डेसिमल आएगा क्या आएगा बेटा वन प्लेस पे ही क्या आएगा आपका डेसिमल आएगा ठीक है तो जैसे यहाँ पे आपका था वैल्यू तो हमने क्या किया वन प्लेस पे डेसिमल लगा दिया सिक्स थ्री इन टू पावर क्योंकि पावर हमेशा टेन रहेगी याद रखिएगा अब माने डेसिमल यहां था अब यहां से डेसमल यह, यहां गया वन यहां गया टू यहां गया थ्री और यहां गया फोर कितना गया फोर गया ठीक है अब सेम चीज यहां पे भी तो ये भी कितना हो जाएगा टू पॉइंट फाइव सिक्स इन टेन के पावर अब देखिए कितना गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसका पावर कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा ये तो सारे प्लस वाले थे इनमें कोई दिक्कत नहीं है मेन प्रॉब्लम आती है आपके साथ माइनस वाले टर्म्स को कन्वर्ट करने में ठीक है कि सर माइनस वाला है इसको कैसे कन्वर्ट करें देखो यार बच्चे कुछ है नहीं इसमें भी ये भी बहुत आसान होता है कुछ नहीं करना देखिए पहले जब डेसिमल आपका यहाँ से इधर जाएगा तो ये जो पावर होता है पावर वो क्या होता है बेटा प्लस हो जाता है क्या होता है प्लस होता है लेकिन जब डेसिमल इधर से इधर जाएगा तो पावर जो होता है ना वो क्या होता है नेगेटिव आता है क्या आता है नेगेटिव आता है जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर थ्री में होने वाला है यहाँ पे थर्ड वाले में ये केस होने वाला है देखिए क्या है यहाँ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो सिक्स सिक्स ठीक है तो मैंने क्या बोला था हम लिखेंगे इसको सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू पावर अब देखिएगा अब क्या हो जाएगा ये डेसिमल यहाँ पे है अब इसको उठा के कहाँ लाना है यहां पे लाना है तो कितने कदम चलेगा ये वन टू तो, थ्री फोर फाइव कितना चला फाइव ये आ जाएगा माइनस फाइव ठीक है इजी है ना बिल्कुल यार बहुत इजी है और इसमें तो कुछ ज्यादा परेशान होना भी नहीं है आपको बड़े आराम से सारी चीजें आ जाएंगी आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं अब जैसे जैसे ये भी देख लो कि आइए सीधे क्वेश्चन करते हैं यार कोई दिक्कत ही नहीं है जैसे आ जाओ यहां पे देखो अब यहाँ पे जो वैल्यूज है इसको हम कन्वर्ट करेंगे और एंड श्योर sure बच्चों कि इसके बाद आपको ये चीज तो सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप यहीं पे क्या हो जाए एक्सपर्ट हो जाओगे क्या हो जाओगे एक्सपर्ट चलो पहला नंबर उठाइए ठीक है पहला नंबर क्या है बेटा आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन टू फाइव तो पहला स्टेप क्या करना है बेटा आपको ये जो नंबर है केवल वो नंबर लिखना है वन टू फाइव नंबर लिख लिया अब कितने प्लेस जो ये डस यहाँ पे वन के पास डेसिमल लगाओगे क्योंकि डेसिमल से पहले केवल और केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए और कोई वैल्यू नहीं अलाउ है कर लिया ठीक अब क्या हो जाएगा ये देखिए इन टू टेन टू द पावर जीरो यहाँ था डेसिमल ये ये डेसिमल रहा ना बेटा कितना जाएगा वन टू थ्री क्या हो जाएगा माइनस का थ्री बस ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया इजी है ना अगला देखो अब ये ढेर सारे जीरो हैं परेशान नहीं हो ना इनसे से हो जाएगा टू पॉइंट जीरो इन टू टेन पावर अब देखो डेसिमल यहां पे है और यहां से उठा के डेसिमल को यहां लाना है ठीक है कैसे लाएंगे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो यह हो जाएगा टेन के पावर नाइन अच्छा प्लस में क्यों आया बिल्कुल बेटा ये भी बताएंगे क्योंकि सर ये बड़ी वैल्यू थी ठीक है तो वैल्यू भी क्या थी कि बड़ी आएगी चलिए इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है ये देखो तो क्या कह रहा है कितनी वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी सेवन पॉइंट नाइन सिक्स आप भी बताओ मेरे साथ ठीक है बच्चों आप भी बोलते रहिएगा ये हो जाएगा सेवन पॉइंट नाइन सिक्स ठीक है अब डेसिमल कहाँ आया डेसिमल आया सर यहाँ पे था कहाँ पे यहाँ पे था डेसिमल ठीक है बेटा तो कितने कदम चला ये देखो तो चला ये वन टू थ्री फोर फाइव कितने चला फाइव तो टेन की पावर क्या हो जाएगा प्लस में फाइव और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया ठीक है अब इसके बारे में बात करें तो ये तो बहुत इजी होगा बच्चों बताइए क्या होगा बिल्कुल सही एट पॉइंट सेवन टू टेन के पावर टू ठीक है क्योंकि यहाँ से उठेगा यहाँ जाएगा वन यहाँ जाएगा टू ठीक थर्ड वन 90 है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ये हो जाएगा नाइन पॉइंट जीरो इंटू टेन के पावर वन लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं अगर आप लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्योंकि वन का बेस कुछ भी बेस नहीं होता ठीक है चलो अब कुछ ऐसे क्वेश्चन को भी कन्वर्ट कर लिया जाए क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनको साइंटिफिक फॉर्म से जो नेचुरल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट करना होता है ठीक है बेटा तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें पहले तो आपको ये जो नंबर है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन नंबर लिख लो ठीक है अब कितना पावर है थ्री तो इसी के आगे थ्री ज़ीरो बस बढ़ा दीजिए ये आपका आंसर हो गया ठीक है और ये क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा टू एट वन और यहाँ पावर टू है तो क्या हो जाएगा टू ज़ीरो हो जाएगा अब इसी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं ठीक है अब जरा सपोज करो क्वेश्चन ये होता टू पॉइंट एट वन इंटू टेन के पावर टू तो ये पता है क्या हो जाता ये हो जाता टू एट वन बस बेटा समझ में आया कि नहीं आया ठीक है कुछ किया नहीं हमने ठीक है क्योंकि डेसिमल यहाँ था जब इधर जाएगा डेसिमल तो यहाँ माइनस टू हो जाएगा और ये माइनस टू माइनस टू खत्म हो जाएंगे अब ये वाला देखो ये क्या हो जाएगा भाई वन पॉइंट सेवन नाइन पहले तो इसे आप लिख लो जो नंबर है वो आप लिख लो इन टू टेन के पावर अब टेन के पावर की बात करें तो ये वैल्यू डेसिमल यह यहाँ पर है अब यहाँ से डेसिमल कहाँ जा रहा है यहाँ तक जा रहा है कैसे जाएगा देखो यहाँ से जाएगा वन टू और यह आया थ्री पावर कितना हो जाएगा थ्री लेकिन बच्चों याद रखिएगा डेसिमल किधर गया इधर गया है तो मैंने बोला था जब भी डसमल इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस जाएगा क्या जाएगा माइनस ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन वन नाइन कह रहे हैं देखो मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे काफी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे यह हो जाएगा सेवन पॉइंट सिक्स थ्री इन टेन के पावर भाई देखो डेसिमल यहाँ था यहाँ से कहाँ आया यहाँ आया मतलब कितने कदम चला वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है कितना चला फाइव चला ना तो फाइव चला तो कितना हो जाएगा माइनस का फाइव ये आपका क्या हो गया आंसर बहुत इजी इजी क्वेश्चन है अब देखो इसको बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर टेन अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा ठीक है क्या कह रहा है ये देखिए कि हंड्रेड सिक्सटी सेवन इंटू माइनस थ्री तो जब माइनस थ्री की बात कर दिया ना तो ये क्या क्या हो जाएगा थ्री सिक्स सेवन माइनस थ्री मतलब समझ रहा ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखना माइनस थ्री के देखो इसको मैं बेसिक फॉर्म से बताता हूँ यानी थ्री हंड्रेड सिक्सटी सेवन में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे थाउजेंड से कितना आएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स सेवन ठीक है वही बात हो गया तो ये हो गया जीरो पॉइंट थ्री सिक्स सेवन इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए बिल्कुल बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है बहुत आराम से हम चीज़ों को कर रहे हैं ठीक है बच्चों इतनी बात समझ में तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए टेन क्वेश्चन और भी कुछ प्रैक्टिस के लिए है बिल्कुल नहीं ठीक है तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने समझ ली हैं तो एक बार फिर से याद रख लीजिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसका आंसर आप लोग मुझे फाइंड करके बताइएगा कि हाँ सर इसका आंसर इतना आएगा ठीक है चलो क्वेश्चन नोट करो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिए नोट कीजिए सेवन पॉइंट टू फाइव थ्री इंटू पावर माइनस फाइव का आंसर कितना आएगा ठीक है आप लोग क्या करना कि कमेंट में इसका आंसर लिखना और अपना Uh, किस डिस्ट्रिक्ट से हो मतलब किस स्टेट से हो अपना स्टेट भी जरूर मेंशन कर देना ठीक है बच्चों तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अगर नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है आप, आपका जो भी कमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है ठीक है बच्चों हैव अ नाइस डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए जय हिंद बच्चों